कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, लहू लुहान मगर शहर का नजारा है। ए लुहथिला लोकतंत्र रा कातिल बा खुनीथिला लोकतंत्र रा उच्च एवं दामी चौकी आउ हे कथा हेउछि 1975 मसीह रा। मु एबे आपनकु कहिबाकु जाउछि दीर्घ 47 वर्ष परे लोकतंत्र रा सेही कला अध्याय विषय रे 1975 मसीह विषय रे आज आलोचना करिबा। पूर्वरु 15 अगस्त 1947 रा सेही अर्धरात्रि रा ताजा आवाज को टिके शुणिबा वा स्मरण करिबा निहाति दरकार। जो आवाज थिला पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंकर, से कहिथिले जेतेबेले लोकमाने अर्धरात्रि रे सोइथिबे सेतिकी बेले भारत नुआ जीवन आउ स्वतंत्रता पई जागि उठिबो। एही कथार ठीक 28 वर्ष परे एमिति एक अर्धरात्रि रे जेतेबेले सारा भारत वर्ष सोइथिला, ठीक सेतिकी बेले पंडित जवाहरलाल नेहरूंक झियो इंदिरा गांधी लोकतंत्र रो गळा चेपी हत्या करथिले। 25 जून 1975 मसीह रे तक तक करि चलुथवा घंटा कंटा 12:00 रे पहुंचिबार किछि समय पूर्वरु इमर्जेंसी बा जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा से, आउ ता परदिन सकाळु ऑल इंडिया रेडियो रे इमर्जेंसी लागिथिबा घोषणा करथिले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अलग अर्थ रे कहिबाकु गले एबे एही देश रे तहा हेबो जहा केवल इंदिरा ही चाहिबे, ना संसद रो कोनोसी मूल्य रहिबो ना न्यायपालिकार। एमिति मने हेउथिला सते जेमिति इंडिया रा स्पेलिंग इंडिया बदल रे इंदिरा होइजिबो। इंदिरा गांधीक ए दमनकारी निष्पत्ति भारत रा लोकंक मनरे अग्नि संजोग करथिला। विपक्ष दल साधारण लोक ओ गणमाध्यम नामकरा कवि ओ शायर एहा विरोध रे स्वर उत्तोलन करथिले। एही दिन रे देशर सबु गळी ओ कांथ को रंगीन करथिला इंदिरा विरोधी पोस्टर। सबु लोकंक तुंड रे थिला राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनाकरंक कविता सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुग उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनकवि बाबा नागार्जुन जनतांक मध्यरे थाई इंदिरा को प्रश्न करथिले, इंदुजी क्या हुआ आपको सत्ता की मस्ती में भूल गए बाप को, इंदुजी क्या हुआ आपको बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को क्या हुआ आपको। एवं युवा कवि दुष्यंत कुमार का कविता हो गई है पीर पर्वत सी विघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। कोटि कोटि भारतीय जनसाधारण गोटे प्रश्न थिला अधारात्रि इमरजेन्सी कौन थिला आवश्यकता, तेबे कौन होइथिला केमिति होइथिला आउ काहिंकि होइथिला मु जणाइबी 25 जून रो ए सविशेष कहानी। नमस्कार, मु अपूर्व आपण देखुछंती निरपेक्ष। भारत रा स्वाधीनता को बीती थाए मात्र 28 वर्ष। मोगल आउ इंग्रेज को कबल रो आजाद होई बेस खुशी रे दिन काटु थांती भारतवासी। भारत रा सुवर्ण धारा रे विचुरित हेउ थाए एक नुआ स्वर रा तिर्यक रश्मि धीरे धीरे गढ़े उठु थाए भारत रा नूतन भाग्य। मात्र सेतेबेले प्रधानमंत्री थिबा इंदिरा गांधी को एक निष्पत्ति भारत रो जनसाधारण को चकित कर देइथिला आउ देश को जरूरीकालीन परिस्थिति दे गति करबा को पड़े। 1975 मसीहा जून 25 तारीख राति रे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का दस्तखत सह देश रे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू हुए। एही दस्तखत राष्ट्रपति भवन रे नुहे बरम राति रे फखरुद्दीन अली तांका बासभवन रे गाधौथिबा समय रे करा जाइथिबा कहाजे। ता परदिन सकाळे समग्र देश ऑल इंडिया रेडियो रे सुनिथिला इंदिरा गांधी का स्वर। रेडियो रे इंदिरा गांधी संदेश देइथिले, भाइयों और बहनों राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है लेकिन इसमें सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एपरि मध्य कहा जाए जे जून 12 तारीख रे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू करिबा नै दिन स्थिर हो सारिथिला। दिल्लीर रामलीला मैदान रे जून 25 रो राली खबर सारा देश रे प्रघट न हेउ आउ एथिपई शाहजफर मार्ग रे थिबा खबर कागज ऑफिस रो विद्युत कनेक्शन राति रे काटी दिया जाए। सेही राति रे इंदिरा गांधी का सहायक आर के धवन का रूम रे बसी संजय गांधी एवं ओम मेहता केउ मान को गिरफ करा जिवो ताहर तालिका मध्य प्रस्तुत करथिले। यार मूल कारण 1971 लोकसभा निर्वाचन ही थिला। 1971 लोकसभा निर्वाचन रे उत्तर प्रदेश रायबरेली आसन रु
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗରିବ ହଟାଓର ନାରା ଦେଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 518ରୁ 352 ସିଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। 1971ରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ଗୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉଥିବା ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ଲୋକେ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ଆଇରନ୍ ଲେଡ଼ି ଭାବରେ କହିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ରାଜନାରାୟଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ରାଜନାରାୟଣ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାଚିକା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନାରାୟଣ 6ଟି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ। ରାଜନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆରୋପ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସଚିବ ୟଶପାଲ କପୁରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୟଶପାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଞ୍ଜୁର କରିନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ରାୟବରେଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଦିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜନାରାୟଣଙ୍କ ଭୋଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ। ସେପରି ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାୟୁସେନା ବିମାନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ଲାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମତଦାତାଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଦ ଏବଂ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଢେର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଦାଲତରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। June 12, 1975ରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଗମୋହନ ଲାଲ ସିହ୍ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରି ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତି, ଫଳରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେପଟେ ଏହି ଦିନ ଗୁଜରାଟରେ ଚିମନ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜନତା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜନାରାୟଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ। ପରେ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଦେଶର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲଢ଼େଇର ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜନୀତି ଦରବାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 1 ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ସବୁ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଇନ୍ଦିରା, ଇନ୍ଦିରା ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାରା ଦେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିକେ ବରୁଆ ଅନ୍ତିମ ରାୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଡିକେ ବରୁଆଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଜେ ରହିବେ ଓ ଇନ୍ଦିରା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ। ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତଥା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଅଘୋଷିତ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ। ଆଉ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ କୋଣକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିପକ୍ଷରେ 23 ଜୁନ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରନ୍ତି। 24 ଜୁନ୍ରେ ଏହି ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆୟାର କହିଥିଲେ ସେ ଏହି ରାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତିମ ରାୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମତଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏଭଳି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବିପକ୍ଷ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନେଇ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବିପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଓ ବିହାରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକଜୁଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲୋକନାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ହମଲା କରୁଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ June 25ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ,
मुरारजी देसाई एवं चंद्रशेखर परी बहु नेता एका साथे गोटे मंच में उपस्थित थिले। आउ एते संख्यक विरोधी नेता एकाठी हेबा एवं निज क्षमता चली जबार भय घारिथिला से पर्यंत देशर आयरन लेडी भाबे प्रसिद्धि लाभ करितबा इंदिरा गांधी को क्षमता लोभरे व्यतिव्यस्त हो जा जून 26 रे जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करितले इंदिरा गांधी। एही रातिरे आकाशवाणी तार एक समाचार बुलेटिन रे जरूरीकालीन स्थिति संपर्क रे खबर प्रसारण करितला। अनियंत्रित आभ्यंतरीण अवस्था जोगु सरकार सारा देश में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करितबा खबर प्रसारण हुए। इंदिरा गांधी निज बार्तारे कहितले जेतेबेले मु साधारण लोक एवं देशर महिलांक उन्नति और सुविधा पई किछि पदक्षेप निए सेतेबेले मो विरोध रे किछि ना किछि षडयंत्र करा जाय एथिपई लोकंक समस्त मौलिक अधिकार को स्थगित रखा जायथिला। सरकार विरोधी भाषण और जेकोसी प्रदर्शन उपरे प्रतिबंधक लगाई दिया जाए। जरूरीकालीन परिस्थिति रे शासक कांग्रेस साधारण लोकंक स्वर को दमन करबा को चेष्टा करे। धारा 352 अनुजाई एहा सरकार को असीमित क्षमता प्रदान करितला। मिशा एवं डीआईआर अधीन रे देश रे 11 लाख रु अधिक लोकंक जेल रे बंद कर दिया जाए। जरूरीकालीन परिस्थिति विरोध रे आंदोलन रो मुख्य नायक साजिथिबा जयप्रकाश नारायण कारागार रे थिबा समय रे तांको किडनी खराब हो जायथिला। एही काल रात्रि रे जेल निर्यातना रो अनेक भयंकर कहानी अछि। देश रे थिबा बहु बड़ बड़ नेतांक जेल पठाई दिया जाए। जेल गुड़िक एक प्रकार राजनैतिक पाठशाला परिणत हुए। गोटेपटे जेल रे युवक माने राजनीति शिखुले आयपटे इंदिरा गांधी पुव संजय गांधी तांकर बंधु बंसीलाल विद्याचरण शुक्ला एवं ओम मेहता जरिया देश चलाउले। से ही समय संजय गांधी विद्याचरण शुक्ला सूचना और प्रसारण मंत्री करते सरकार बिना अनुमति में कौन खबर प्रकाश करने रोक लगे। जो मैंने आदेश को अणदेखा करुले सेमान को जेल रे रखा जाई अकथनीय निर्यातना मध्य दिया जाउथला। गोटिए पटे देश रे सरकार के विरोध रे कहुथबा लोकन को निर्यातना दिया जाउथबा बेले अन्य पटे संजय गांधी देश को समृद्ध करबा नारे पंचसूत्री योजना करथिले। परिवार नियोजन जौतुक प्रथा को बंद करबा वयस्कन को शिक्षादान वृक्षरोपण जाति प्रथार विलोपादि आरंभ करथिले। कहा जाए जे सौंदर्यकरण नारे संजय गांधी दिल्ली रे तुर्कनाम गेट पाखरे थिबा एक बस्ती को हटाई देते। पंचसूत्री कार्यक्रम रे परिवार नियोजन उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइतला। लोक मानकु जोर जबरदस्ती बंध्याकरण करा जाउथला। मात्र 19 मास मध्य रे पाखापाखी 83 लाख लोकंकर जबरदस्ती बंध्याकरण करा जाइतला। एभली भी कहा जाए जे पुलिस जाई गाँ गाँ घेरी जाउथले एवं पुरुष मानकु धरी बंध्याकरण करूथले। एवं अनेक कला कहानी रही कहुए जे यही बेनियम बंध्याकरण द्वारा देश में अनेक लोकंक जीवन मध्य जाइथिला। जरूरीकालीन परिस्थितिर अनेक दिन पर एक साक्षात्कार इंदिरा गांधी कहते लगुला भारत को एक उन्नत चिकित्सार आवश्यकता रही किंतु यह चिकित्सार योजना जून 25 रैली 6 मास पूर्व प्रस्तुत होता। जानुरी 8, 1975 सिद्धार्थ शंकर एक चिठी में जरूरीकालीन परिस्थिति योजना संपर्क में तथ्य देते। चिठी मुताबक यह योजना तत्कालीन आईन मंत्री एचआर गोखले कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ एवं बॉम्बे कांग्रेस अध्यक्ष रजनी पटेल बैठक बस स्थिर होता। तेब एवं आसतु जाना यह जरूरीकालीन परिस्थिति कौन एवं संविधान द्वारा दि जाए अधिकार केमी दुरुपयोग करते सरकार। संविधान अनुच्छेद 352 दुईट परिस्थिति में राष्ट्रीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा उल्लेख रही। प्रथम टी देश में युद्ध परिस्थिति देखादेले जहाँ को आम बाह्य शत्रु आक्रमण बोली एवं द्वितीय होउछि देश में शांति भंग होबा पर स्थिति देखादेले। तेबे 1975 दुईटी मध्य क्यों गोटे हेले देखादे नथिला। मात्र इंदिरा गांधी शांति भंग जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जाइथिबा कहिथिले। तेबे 1971 जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करा जाइथिला। मात्र सेतेबेले युद्ध कारण लगा जाइथिला एवं देशर नागरिकक अधिकार को क्षुर्ण करा जाय नथिला। अर्थात इमरजेंसी आम देश में दुई थर लागू करा जायछि प्रथमे 1971 पर 1975। देश में तीन प्रकार जरूरीकालीन परिस्थिति लगा जाय पारिबार नियम रही। प्रथम होउछि राष्ट्रीय जरूरीकालीन परिस्थिति, द्वितीय होउछि राष्ट्रपति शासन एवं तृतीय होउछि आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति। तेबे तीनोटी जाक जरूरीकालीन परिस्थिति राष्ट्रपति बिना मंजूरी रे लगा जाय पारिबो नाही। राष्ट्रपति ए मंजूर संसद रु आसी लिखित प्रस्ताव उपरे ही दे पारे।
जरूरीकालीन परिस्थिति लागू होगा पर संसदर प्रत्येक सदन में यह रखा जाए। जदि कौन सदस्य यह विरोध न करती तेज यह छ मास पर्यंत वृद्धि करा जाए। तेज 1975 लगी जरूरीकालीन परिस्थिति 21 मास धरी चली अर्थात 4 थर यह एमती ही मंजूरी मिलता। एटी आउ एक प्रश्न उठे जरूरीकालीन परिस्थिति केमिति शेष होता है। जरूरीकालीन परिस्थिति राष्ट्रपति जमी घोषणा करते लिखित आकार समाप्त करते जरूरीकालीन परिस्थिति को शेष व समाप्त करने को संसद में मंजूरी आवश्यकता न था। जरूरीकालीन परिस्थिति मध्यम विरोध को शांत करने को चाहूँ इंदिरा गांधी। 21 मास मध्य इंदिरा गांधी जरूरीकालीन परिस्थिति देश को शक्तिहीन कर संजय गांधी एवं तांको सुरक्षा बल अमलातंत्र समस्त निरकुंश हो जाते। थरे इंदिरा गांधी कही जरूरीकालीन परिस्थिति रे कुकुर मध्य भोकि नथिला किंतु 21 मास रे करितबा भूल एवं लोकों क्रोध को अनुभव करथिले। 18 जनवरी 1977 रे मार्च मास रे जेते लोकसभा निर्वाचन करने इंदिरा गांधी घोषणा करथिले। 16 मार्च रे होइतबा निर्वाचन रे इंदिरा गांधी एवं तांको पुओ संजय गांधी हारी जाइथिले। 21 मार्च 1977 रे जरूरीकालीन परिस्थिति उच्छेद घोषणा करा जाइथिला। जरूरीकालीन परिस्थिति सरी जाइथिला सत किंतु गणतंत्र को सबुठारु बड़ शिक्षा दे जाइथिला। से ही समय रे जहां सब घटीथिला आज लोक ताहाकु कल्पना मध्य करि पारिबे नाही कारण सेतेबेले न्यूज चैनल नथिला सोशल मीडिया किंबा इंटरनेट भी नथिला। समस्या रे एवं विपद रे आज गणतंत्र बोली बारंबार कहुथवा कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस समर्थक 1975 रो ए घटना को समीक्षा करिबा निहाती दरकार। तो ये थिला इमरजेंसी रो पार्ट 1 जे केमभली उपाय रे इमरजेंसी लागू करा जाइथिला केमभले भाबे इंदिरा गांधी शासन को निज हाथ में रखा इमरजेन्सी दुरुपयोग करते पर एपिसोड रे जानिबा जे इमरजेन्सी द्वारा क्यों क्यों माने अधिक क्षतिग्रस्त होते क्या उपरे अधिक चाप पड़ता। यह इनफर्मेटिव खबर देखापी आम चैनल को आपने सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आउ शेयर करूँ। ए रिपोर्ट को आपंप लिखिं प्रशांत कैमेर अच्छा समीर आउ एडिटिंग करमस्कार।